Let's do question number 15th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 15th is write the next term of the AP. Hame is AP ki next term batani hai. To hai hamari AP kya hai? Root 2, root 8, root 18. To root 2 ko hum kuch nahi likh sakte hain, to wo root 2 hi rahega. Lekin 8 hai to dekhiye hum 2 4s 8, 2 2s are 4 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर आ सकता है, that means 2 root 2 लिख सकते हैं. इसी तरीके से 18 को हम देखिए, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 का pair बन रहा है, तो हमने इसको लिख दिया 3 root 2 dash dash dash, right? अब हमारा nth term हम निकालते थे, तो formula होता था a plus n minus 1 into D. लेकिन अब हमें कौन सी टर्म निकालनी, इसके बाद वाली, तो वो कौन सी हुई, फोर्थ टर्म हुई, तो हमने टर्म 4 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a क्या हुआ root 2, तो हमने root 2 लिख दिया, प्लस n हमारा 4 हुआ minus 1. कैसे 4 हुआ, देखिए यहां n था तो यहां n सेम था, तो यहां 4 है तो ये भी 4 ही रहेगा. और d कैसे निकलेगा, तो d देखिए हमारा निकला इसमें से ये वैल्यू माइनस करना, तो ये थी 2 root 2 में से हमने root 2 minus किया, root 2 कहूं 1 root 2 कहूं बात एक ही है, तो root 2 common आया, तो 2 minus 1 बच गया, तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया is 1 root 2, और we can say that root 2, तो D आ गया हमारा root 2, तो ये कितना आ गया root 2, 4 में से 1 गया is 3 root 2, तो ये कितना आ गया 3 plus 1 is 4 root 2, तो हमारी next term क्या हो जाएगी, term 4 क्या आएगी. अब देखिए हमें पता है square root में जब single number को ले जाना होता है तो 2 times लेके जाते हैं, क्योंकि pair बना के एक बार वाला लाते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 को, 4 into 4 root का into 2 root 2, तो ये कितना आ गया 4 root में, 4 4s 16, 16 2s 30 2, तो next term हमारी कितनी आ जाएगी, root 32 is the answer. Let's do question number 16th of exercise 5D, that is which, let's do question number 16th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 16th is which term of the AP 21, 18 or 15, ये AP दे रखी है, is 0, कौन सी term आएगी इस AP में 0, ये बताना है. तो हम AP लिख लेते हैं, that is 21, 18 and 15 dash dash dash, ये AP है, और हमें बताना है कौन सी term हमारी 0 आएगी, तो कैसे करेंगे, हमारा nth term का formula क्या होता था, that is A plus N minus 1 into D. अब हमें ये नहीं पता कौन सी टर्म 0 आएगी, तो हमने उसको nth टर्म मान लिया जो कि हमारी 0 आ रही है, तो nth टर्म में हमने 0 लिख दिया. A क्या हुआ, A देखिए फर्स्ट डिजिट हो गई, तो दैट इज 21. N हमें पता नहीं है, N निकालना है कि कौन सी टर्म है, तो आप लिख सकते हैं ऊपर लेट द नंबर बी N, राइट. और D क्या हो गया, D होता है इसमें से ये माइनस करना, तो हमने यहां d निकाल दिया, that is 18 minus 21, तो ये कितना आ गया minus का 3, तो d आ गया हमारा minus का 3, तो ये कितना आ गया 0 equals to 21. अब आप देखेंगे plus minus 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 3 into n minus 1, तो ये आया 0 equals to 21 minus 3 into n is 3n minus minus plus 3, तो अब देखिए 3n इधर ला रही हूँ, तो ये कितना आ गया 3n प्लस का हो जाएगा 21 प्लस 3, तो ये आया 3n equals to 24, n कितना आ गया 24 upon 3, that is 3 1s are 3, 3 8s are 24, 8 आ गया n, तो इसका मतलब इस AP में 8th term जो भी होगी वो 0 होगी, answer.